हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल को। कल हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, आज हम सीएसएस में आगे बात करेंगे। मैंने आपको कल की लिंक तो दे दी, बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने चेक किया कि आवाज़ काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो उस चीज़ को मैंने आज के सेशन में रिजॉल्व कर दिया है। और अब जो आपको आगे के वीडियोज़ मिलेंगे वो क्लीन मिलेंगे, आवाज़ प्रॉपर मिल जाएगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगी। हाँ, बाकी हम लोग अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बना रखा है। तो इस तरीके से हम लोग अभी इस पेज पे काम कर रहे थे, और बाकी का जो आपका फर्स्ट लेक्चर है उसकी वीडियो नहीं दे पाया हूँ, वो भी दे दूंगा। और कल का जो वीडियो है ना जिसपे आवाज़ काफ़ी ज़्यादा स्लो होगी, वो भी मैं सही करके आपको देता हूँ जल्दी, यानी कि ये भी अपलोड कर दूंगा, तो आपको प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे मिल जाएगी जो मैंने लिंक आपको शेयर किया है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं और इस पर क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या और ज़्यादा इस पर हमें पढ़ना है। देखिए, धीरे धीरे अब हमारा सीएसएस शुरू हो गया है और हम इस पर टाइम टू टाइम एडवांस करते जाएंगे, और जो कुछ भी सीखेंगे वो काफ़ी इंडस्ट्रियल लेवल पे होगा, क्योंकि हमारा मोटो यही है कि जब आप यहाँ से ट्रेनिंग करके जाएं तो आपको जॉब में आसानी हो, और वो जॉब तभी मिलेगी जब आप अच्छे लेवल पे प्रोजेक्ट बना पा रहे होंगे। और डोंट वरी, ये सेशन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको केवल वेब डिजाइनिंग सिखाने वाला हूँ। आप लोग बने रहना मेरे साथ, मैं आपको सब कुछ सिखा दूँगा, फ्रेमवर्क वगैरह जो होते हैं ना, रिएक्ट, एंगुलर, सब सिखा दूँगा। बस बने रहना, आप सीखने को तैयार रहना, मैं आपको सब कुछ सिखा दूँगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे, कुछ आज नई चीज़ों को देखते हैं। इसको सबसे पहले हम रन करते हैं लाइव सर्वर पे। लाइव सर्वर पे आ गए। अभी तक हम लोग इनलाइन सीएसएस और ऑन पेज सीएसएस को पढ़ लिया है। कुछ इस तरह से हमारे पास पेजेज वर्क भी करने लगे हैं, है ना। आज मैं आपको कुछ सीएसएस की बेसिक प्रॉपर्टीज को समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको फॉन्ट साइज वगैरह तो समझ में आ गया, कुछ थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह का भी मैं आज बता देता हूँ। देखो, अभी तक जो कुछ भी हम बता रहे हैं ना, ये बहुत ही बेसिक है, एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ जो आप कॉमनली यूज कर सकते हैं या अपने दिमाग में सोच सकते हैं, कुछ उस जैसा भी आइडिया दे रहा हूँ। देन इसके बाद हम लोग प्रोडक्शन लेवल पे काम करेंगे और वहाँ पे देखेंगे चीज़ों को और अच्छे से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप एक रेफरेंस मैं हर बार ओपन करता हूँ आपके लिए, आज भी करा देता हूँ आप लोगों को। आई थिंक इंटरनेट लॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, आई थिंक अब आपको फिर से स्क्रीन मिल रही होगी। चलिए, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक रेफरेंस आपके लिए मैं हमेशा रखता हूँ, और वो है W3। इसको यूज करिए, क्योंकि आप रेफरेंस नहीं यूज करेंगे तो आप खुद से कभी कोई चीज़ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग बताएंगे बट कुछ ना कुछ आपको भी सीखना पड़ेगा। तो हमने CSS ओपन किया, यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप सिंटैक्स वगैरह ओपन कर लीजिए। कलर हो गया, मैंने आपको कलर बता दिया है, बैकग्राउंड कलर भी बता दिया है, बॉर्डर्स बताने हैं, मार्जिन बता दिया हूँ कल के सेशन में, पैडिंग बता दिया हूँ,
विड्थ हाइट को चाहे तो एक बार और अच्छे से समझा दूंगा। बॉक्स मॉड्यूल, अब इन आगे चीज़ों को हम लोग समझेंगे। मैं आज आपको बॉर्डर समझा देता हूँ, ठीक है। सेलेक्टर्स, देखो आप लोग भी ना ये सब चीज़ें देखते रह करिए। सेलेक्टर्स वगैरह बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं, जैसे मैंने आईडी क्लास और मेन टैग बताया था ना, वही होते हैं जिसके थ्रू हम लोग रीड कर सकते हैं अपने HTML के एलिमेंट को और उसके ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें आप एक बार यहाँ से देख लीजिएगा, आपके लिए कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा, है ना। क्योंकि मैं इसीलिए एक बार देख ले रहा हूँ कि आपको अगर कुछ छूटता है तो वो मैं आपको बताता चलूँ। कलर आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कलर पिक करने का ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाता है। बॉर्डर आज हम लोग देखते हैं कि हाउ टू यूज बॉर्डर और क्या हमें ज़रूरत पड़ती है। तो बॉर्डर सिंपल सा ऐसा ही है, आपको जहाँ जैसा बॉर्डर बनाना होगा आप उसको बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको आज बॉर्डर समझाता हूँ। मान लीजिए ये कोई हमारा पेज है और यहाँ पे हम एक नया कंटेंट ले लेते हैं जिस पे हम लोग बॉर्डर वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। एक यहाँ पे पैराग्राफ डाल दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए। लॉरेम, अच्छा अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, एक डिव लेते हैं, एक क्लास लेते हैं। क्लास ले लिए, किस टाइप का क्लास, कोई भी क्लास ले लेते हैं। मान लीजिए हमको कुछ फ्रूट्स के नाम डिफाइन करने हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। तो मैं इसी के साथ आपको आज दो तीन चीज़ें कवर करूँगा। हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाएं मेन टॉपिक से, तो वो मैं कल के लेक्चर में भी कवर करने वाला हूँ। तो ये माइंडसेट करके चलिए कि आज का थोड़ा सा सेशन हो सकता है कि लंबा हो। तो फ्रूट्स, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स हम बनाते हैं अगर, तो मान लीजिए एप्पल अगर हमने लिखा। अब यहाँ पे हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। ये मेरा एप्पल आया, यहीं से मैं आपको चीज़ों को रिलेट करूँगा प्रोजेक्ट के साथ कि क्या एक्चुअली में क्लाइंट की नीड हो सकती है, आपको क्या क्या यहाँ पे करना पड़ सकता है। पहली चीज़, क्लाइंट चाहता है कि यहाँ पे आप 5 6 6 6 मान लेते हैं, 6 फ्रूट्स के नाम दीजिए लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझेंगे और साथ में इनके कुछ बॉर्डर होना चाहिए हर फ्रूट के साथ, इनके बीच बैकग्राउंड होना चाहिए, इसका कुछ कलर होना चाहिए ऐसा। क्योंकि अभी यहाँ एप्पल लिखा हुआ है तो ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो पहला चीज़ है कि हम यहाँ पे ले लेते हैं फ्रूट लिस्ट। फ्रूट लिस्ट, ये हमने फ्रूट लिस्ट लिया। इसको आप जानते हैं कि अगर मैं ऑन पेज सीएसएस कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम इसे डिफाइन करेंगे और इस पे हम एक बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं जो हम लोग जानते हैं कि हम कुछ भी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, ब्लू। चलिए और आप इस पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कलर, थोड़ा सा लाइट वगैरह करना चाह रहा हूँ ताकि ये और अच्छा लगे इस पेज पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये फुल स्क्रीन पे हमारा कलर आ गया है जबकि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं थी। क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई भी डिव लेंगे वो एक ब्लॉक टाइप का एलिमेंट है, उसको जितनी जगह मिलेगी ये पूरा का पूरा कवर करेगा, ठीक है। अब इसको ब्लॉक टाइप से नॉर्मल में करने के लिए क्या कर सकते हो, कुछ डिस्प्ले वगैरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं, डिस्प्ले है ना।
डिस्प्ले इन लाइन यूज करिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको करके ट्राई करना पड़ेगा। देखिए जैसे ही मैंने डिस्प्ले इन लाइन किया तो ये केवल अपने एरिया तक ही हो गया है। तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं कि नॉर्मल इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक टाइप का एलिमेंट होता है, बट कहीं पे आपकी रिक्वायरमेंट है, नहीं मुझे ब्लॉक टाइप नहीं चाहिए, मुझे बस इतना ही एरिया कवर करना है इसके थ्रू, तो आपको डिस्प्ले में जाके इसको चेंज कर लेना है। आप इनलाइन यूज कर लेंगे तो वो अपने बेसिक एरिया में आ जाएगा। इसके बाद आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं क्या, पैडिंग। पैडिंग से आपको क्या मिल जाएगा, स्पेसिंग मिल जाएगी। यहाँ पे हमने दिया पैडिंग, पैडिंग कितना दे दें, 10 px की आप दे सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमको एक पैडिंग मिल गया। अब बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ना, सर अच्छा थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट बड़ा कर दूँ तो और अच्छा लगने लगेगा। तो फॉन्ट बड़ा करने के लिए क्या होता है, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी होती है। इससे आप यहाँ से भी लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, एक्स लार्ज, इस तरीके से आप कर सकते हैं, या डायरेक्ट पिक्सल देके भी कर सकते हैं, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। चलिए मैं आपके लिए एक लार्जर डाल दिया। अब अक्सर ना आप भी क्या करेंगे कि पिक्सल का यूज करेंगे, क्योंकि वो आपको धीरे धीरे एक आइडिया हो जाएगा कि 20 px लूँगा तो कितना बड़ा फॉन्ट बनेगा, और लार्ज लार्जर वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि ये बार बार यूज नहीं होता है। बट आपकी मर्जी, कुछ भी यूज करिए, पिक्सल डाल सकते हैं या फिर जो भी एक्सेल वगैरह की प्रॉपर्टी है वो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी ना कि सर ये जो बैकग्राउंड आपने लगाया ये हटा दो और हमको इसको बॉर्डर के अंदर करके दे दीजिए, तो ठीक है हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड हटा देते हैं। हटा भी इसलिए रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं बॉर्डर अप्लाई किया, ठीक है। ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी थी। वो बैकग्राउंड इसलिए भी दिया था क्योंकि मुझे देखना था कि मेरी बॉडी है जो है ना वो कहाँ पे बन रही है। अब हमें कुछ कुछ आइडिया लग गया है, क्योंकि ऐसे में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे इसका एक्चुअल एरिया है जो हमने ड्यू ले रखा है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करते हैं। बॉर्डर अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर, ठीक है। अब बॉर्डर में आप बॉर्डर का कोई कलर दे दें तो आ जाना चाहिए। हैश कोड भी यूज कर सकते हैं अगर आपको याद है तो, नहीं तो आप बॉर्डर मान लीजिए मैं रेड दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद भी आप इस पे जाके कर्सर ले जाके होल्ड करेंगे तो ये कलर पैटर्न ओपन हो जाएगा, और इसके बाद आप यहाँ से भी कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं रेड रहने देता हूँ। क्या लगता है बॉर्डर आएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बॉर्डर को जब हम लोग डायरेक्ट बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो बॉर्डर नहीं विजिबल होता है। बॉर्डर को विजिबल करने के लिए आपको इसके अंदर एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, सॉलिड। क्या सॉलिड करने से आ जाएगा, चेक करते हैं। मान लेते हैं कि हमें कुछ नहीं पता है, जैसे ही मैंने सॉलिड दिया तो ये बॉर्डर विजिबल हो गया। बट इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको आप यूज करके इस बॉर्डर के साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी तक जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये इसकी बाय डिफॉल्ट, अगर आप उस प्रॉपर्टी को नहीं यूज करेंगे तो आपका बॉर्डर का साइज यही रहने वाला है। बट अगर आप इसमें एक और प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जैसे कि आपको बॉर्डर अगर पतला रखना है तो आपको थिन यूज करना पड़ेगा, मोटा रखना है तो थिक यूज करना पड़ेगा। देखिए अभी ये बॉर्डर थोड़ा सा मोटा हो गया, थिक हो गया, तो ये प्रॉपर्टी हो गई थिक के लिए। इसी तरह से आपको अगर पतला रखना है तो आप बॉर्डर करेंगे थिन, और थिन में आपका ये बॉर्डर काफी ज्यादा पतला हो गया है ना। तो इस तरीके से आप बॉर्डर थिक या थिन प्लस कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ना कि आपकी रिक्वायरमेंट हो कि भाई जितना थिन आ रहा है इतना ही हो या फिर जितना थिक आ रहा है उतना ही हो, इन दोनों में से भी अदर ऑप्शन में कुछ और भी हो सकता है। तो
अदर ऑप्शन में आप इसको पिक्सल में भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक मुझे 5 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए तो मैं 5 पिक्सल का यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन कर दूंगा, सॉलिड 5 पिक्सल देन कलर। तो आप देखिए ये 5 पिक्सल का बॉर्डर जनरेट हुआ है। आप इसको ना कितना भी बड़ा कर सकते हैं, चाहे तो 500 कर लें, लाइक लो मैं 50 कर देता हूँ, करना नहीं होता है, दिखा रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, कुछ ऐसा ऐसा हुआ कि बहुत बाहर चला गया, क्योंकि एक्चुअल इसकी जो प्रॉपर्टी यहीं पे है, बट 50 पिक्सल ऊपर नीचे हो गया, तो आपको अब मार्जिन वगैरह का एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बॉर्डर होता है वो एक्स्ट्रा होता है अपने रियल एरिया से। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बहुत ज़्यादा बॉर्डर बनाएंगे तो आपको मार्जिन यूज करना पड़ेगा उतना। कैसे, मुझे यहाँ 50 पिक्सल का मार्जिन लेना पड़ेगा, तब ये हमारा कंटेंट नीचे आ जाएगा। चलिए फिलहाल मैं इसे 5 रखता हूँ। तो आप भी इसको पिक्सल में डिफाइन कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका कलर हो गया। इस पे एज लाइक इसको अगर आप बटन की तरह दिखाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल जो स्पेसिंग है उसको ज़्यादा कर लें और वर्टिकल स्पेसिंग कम कर लें, तो ये और अच्छा सुंदर सा दिखने लगेगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये 5 पीएक्स भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो 2 पीएक्स आई थिंक ठीक है, या फिर 3 पीएक्स कर दे रहा हूँ। चलिए अब मैंने क्या कहा कि जो ये पैडिंग है ना, पैडिंग इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। मेरी रिक्वायरमेंट है कि इधर से पैडिंग जो हो 10 पीएक्स की हो, लेफ्ट से 10 पीएक्स हो और राइट से भी 10 पीएक्स हो, बट टॉप से 5 पीएक्स हो और बॉटम से 5 पीएक्स हो। तो अपने पास एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि पैडिंग लेफ्ट लगाऊं राइट लगाऊं, है ना, टॉप लगाऊं बॉटम लगाऊं, सब कुछ कर दूं, तो अपना ये काम हो सकता है। बट रुको रुको रुको, ऐसे नहीं करना है। ये नॉर्मल जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो करेंगे, बट जब हम स्मार्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं तो थोड़ा सा हमारा कोड भी स्मार्ट होना चाहिए, है ना। आपको यूं करना है कि जब आप पैडिंग यहाँ पे ले लेते हैं तो इसके अंदर 4 प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सेट की जा सकती हैं, 4 प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सेट की जा सकती हैं। कैसे, जैसे अगर ये जो मैंने 10 पीएक्स लिखा है कि ये इक्वल टू होगा 10 पीएक्स के, ये इक्वल टू होगा 4 टाइम 10 पीएक्स के, ठीक है। दैट मीन्स जब आप सिंगल 10 पीएक्स लिखते हैं तो वो अपने आप इसको इस 4 जगहों पे समझ लेता है, और ये होता है टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। पैडिंग जब आप यूज करते हो तो ये पहला वाला जब आप लिखोगे तो ये टॉप से आएगा, लेफ्ट से आएगा और राइट से आएगा और बॉटम से आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, ठीक है। इस चीज को हम प्रैक्टिस करके देख लें। जैसे मैंने सब जगह 10 कर दिया बट इसको मैं 5 कर देता हूँ, तो आपको कुछ यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा। क्या दिखा, टॉप से 5 हो गया, बाकी जगहों से 10 10 है। और कम कर दें, 2 कर देते हैं, देखो 2 कर दिया, तो टॉप से 2 हो गया, बाकी जगहों से 10 10 है। तो ये एक डिफरेंस आपको सीधे देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसको 10 कर दूं, तो मैंने क्या बोला, ये टॉप है, ये लेफ्ट होना चाहिए, टॉप है लेफ्ट होना चाहिए, ये राइट है, सॉरी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, अब मुझे भी कंफ्यूजन हो गया, बट आपके साथ आप भी समझ लेना, मुझे भी रिकॉल हो जाएगा, है ना। हालांकि ये सब हम लोग करके देख लेते हैं, इतना ज़्यादा आपको भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आगे चल के आपको भी भूल जाएगा, बट हाँ हो सकता है आपका माइंड मुझसे ज़्यादा अच्छा हो तो आप इसे याद भी कर लेंगे। फिलहाल इसको मैं 10 करता हूँ और इस पे 2 करता हूँ, टॉप राइट,
बॉटम लेफ्ट कैसे चलेगा? यस, टॉप राइट बॉटम देन लास्ट वाला लेफ्ट। तो यहाँ पे मेरे से गलती थी, ये है टॉप, ये है राइट, ये है बॉटम और ये होगा लेफ्ट। ठीक है, तो आप बजाय उस चीज के कि पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, ये सब करने के आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पैड, और ये सेम कॉन्सेप्ट मार्जिन के साथ भी है। जो आप मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट पढ़ते हैं उसकी जगह पे आप यही सेम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। देखने से नहीं होता है, करने से ही होता है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, 10 पे आते हैं। अब अपनी रिक्वायरमेंट क्या है? अपनी रिक्वायरमेंट है कि भाई ऊपर और नीचे से 5-5 हो जाए, लेकिन लेफ्ट और राइट से 10-10 हो जाए या 20-20 हो जाए। तो अब आपके अकॉर्डिंग मैं एक काम करूं कि हमें पता है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो टॉप को हमको क्या चाहिए? 5 चाहिए, 5 चाहिए। राइट से हमको 20 चाहिए, बॉटम से हमको 5 चाहिए, 5 चाहिए और लेफ्ट से हमको 20 चाहिए, ये चाहिए। ऐसा कर दें काम हो जाएगा। यस ऑफ कोर्स, कुछ ऐसा ही चाहिए था, हो गया। लेकिन अभी भी थोड़ी सी हम लोग एक गलती कर रहे हैं। ऐसे भी नहीं करना है, जब हमें ये क्लियर पता हो। देखो ये थोड़ा सा मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्हें बहुत अच्छे से आता है, और जिनको बहुत अच्छे से आता है वो इस कॉन्सेप्ट को समझते भी होंगे, बट जिन्हें नहीं आता है उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसको समझिए, और मैं मान के चल रहा हूँ अभी आप में से किसी को नहीं आता है, कोशिश करिए आप भी यही मान लो, तभी हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। नहीं तो अगर आपको लगता रहेगा कि मुझे तो यार बहुत कुछ आता है सर, पता नहीं क्या बता रहे हैं, तो आप ज़्यादा देर तक यहाँ पढ़ नहीं पाओगे। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करता हूँ। शॉर्ट करने का तरीका ये है कि आप इसको इस तरीके से ना लिख के सिर्फ टू टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? टू टर्म में केवल दो, ये दो ले लें, इन दोनों को हटा दें, तो आप नोटिस करेंगे कि आपने जो अभी बनाया वो अभी भी है, वो अभी भी है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम बाय डिफॉल्ट टू प्रॉपर्टी ही डिफाइन करते हैं, जैसे बाय डिफॉल्ट वन प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे थे तो ये अपने आप समझ लेता था कि मुझे चारों में यही प्रॉपर्टी रखनी है। इसी तरीके से जब हम टू प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं तो पहला वाला क्या होता था? टॉप होता था, दूसरा वाला राइट होता था। तो ये अपने आप अपने अपोजिट वाले को समझ लेता है कि यही मुझे अपने अपोजिट में भी रखना है। दैट मीन्स टॉप है तो बॉटम में भी ये अपने आप इसी को समझ लेगा, और अगर राइट है तो ये लेफ्ट को अपने आप समझ लेगा कि मुझे लेफ्ट में भी सेम रखना है। तो जब कभी भी दो दो एरिया में सेम डेटा रखना हो, सेम स्पेसिंग चाहिए, तो आप इस तरीके से टू पार्ट में इसको डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर चारों एरिया अलग अलग स्पेसिंग की चाहिए तो आप 4 टाइम देंगे, अगर चारों जगह इक्वल चाहिए तो आप 1 टाइम डिफाइन करेंगे, अगर दो दो एरिया में सेम चाहिए तो आप 2 टाइम डिफाइन करेंगे, और अगर आपको चारों चाहिए तो आपको मैंने बता ही दिया कि 4 बार इसको डिफाइन कर दीजिएगा तो चारों तरफ से आपको मिल जाएगा स्पेसिंग। ओके, चलिए एक तो ये हो गया, और अब हमारी ये जो बॉर्डर वाली कॉन्सेप्ट थे आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो आज प्रैक्टिस करिएगा, काफ़ी कुछ बता दिया हूँ, कोई लोग काम नहीं कर रहे हो, ये गलत है। ठीक, अब मैं कॉल करूँगा जल्दी, फिर हम लोग पर्सनल बात करते हैं, फिर अपने अपने बहाने आप लोग बताइएगा। खैर आप लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करना ही ज़रूरी है। अब आप में से कुछ लोग होंगे कि कहेंगे सर
चलो ये तो बना दिया, थोड़ा इसको रेडियस भी कर दो तो ये और अच्छा लगने लगेगा। हाँ कर सकते हैं। तो आपको रेडियस देने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर, बॉर्डर की ही प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर, बॉर्डर डैश रेडियस, बॉर्डर डैश रेडियस। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। बट अगर आपको क्या चाहिए, बॉर्डर रेडियस, चलिए पहले अभी दे देता हूँ यहाँ पे 5px, 5px दे देता हूँ, देन इसमें और कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे और समझेंगे। देखिए जैसे ही मैंने 5px दिया तो इसकी चारों तरफ से रेडियस 5px की अप्लाई हो गई, ठीक है। बट आपकी कभी कभी ऐसे रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ये टैब बना हुआ है तो यहाँ पे कोई आएगा बोलेगा कि सर इसको आप रेडियस कर दो, बाकी जैसा है वैसा रहने दो, है ना। तो ऐसा कभी आपसे कोई आपकी रिक्वायरमेंट आ गई स्पेशल, किसी किसी एक स्पेशल कॉर्नर को ही फोल्ड करना है बाकी को नहीं करना है, तो वहाँ पे बॉर्डर रेडियस तो नहीं काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर, बॉर्डर 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 टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस। समझ में आ रहा है? टॉप लेफ्ट रेडियस करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने टॉप लेफ्ट रेडियस किया तो आप नोटिस करेंगे कि इसका केवल ये वाला पार्ट रेडिफाई हुआ। यहाँ से आप सुंदर सुंदर डिजाइन बनाने के कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। मैंने इसको 10 कर दिया और मैं चाहता हूँ कि भाई साहब बॉर्डर, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस को भी आप 10 कर दो। ये आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, आप कैसा लुक देना चाहते हैं अपने बटन को, अपने डिव को। कुछ अच्छा लगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने लगा, और आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेडियस को मैंने 10 दिया है, आप इसे 15 कर लो, इसको भी 15 कर देते हैं, तो देखिए ये और भी सुंदर लगने लगा। तो आप इस तरीके से बॉर्डर देकर अच्छे अच्छे डिजाइन्स बना सकते हैं। आप इसको रेडिफाई, अभी मैंने केवल इस कॉर्नर को किया और इस कॉर्नर को किया तो यहाँ पे एक बेहतरीन लुक आ रहा है। इसी तरीके से आप और भी कुछ डिजाइन बना सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर इस कोड को कॉपी कर लें और दोबारा पेस्ट करें, ठीक है। आई थिंक आपको बॉर्डर के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, मैं कुछ नया बताने जा रहा हूँ इसलिए रिकॉल कर दे रहा हूँ। आपको बॉर्डर के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे और मैंने इस पे पैडिंग बताया, पैडिंग भी समझ में आ गया होगा। पैडिंग के साथ आपको मार्जिन भी कवर हो गया, रेडियस कवर हो गया, ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोग इस लेक्चर में समझ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जब मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ तो यहाँ से आपकी थोड़ी सी क्रिटिकल क्रिटिकल चीज़ें शुरू होने वाली हैं, इनको आप अच्छे से समझते चलिए। अभी तक तो मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप कुछ काम करते रहिए, आपको मजा आए, इससे प्रोजेक्ट शायद ना बन पाए। अभी आपको ना सीसेस में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और मैं आपसे आपको परसों आपका टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है। मैं परसों एक टास्क दूंगा, परसों आई थिंक कौन सा दिन होगा, वेट अ सेकेंड, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है ना, 10 तारीख को सैटरडे, एवरी सैटरडे मैं आपके टेस्ट अरेंज कर रहा हूँ, और एवरी सैटरडे आपके टेस्ट अरेंज कर दे रहा हूँ। संडे को मैं क्लास ऑलरेडी नहीं लूँगा, तो आपकी जो क्लास होने वाली है मंडे टू फ्राइडे होगी रेगुलर क्लास, और जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो मैं हम लोग सैटरडे में टेस्ट लेंगे। अगर आपने किया नहीं किया जो कुछ भी किया
वो आपको ऑनलाइन ग्रुप पे आइडिया मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सबमिट करना है, संडे का भी टाइम है, उसमें आप प्रैक्टिस करिए। तो ये एक आध दिन का गैप भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट कब बनाएंगे? डेली डेली आप सीखते हैं बट प्रोजेक्ट तो बनाते नहीं हैं। तो एवरी सैटरडे आपके टेस्ट होंगे और संडे को क्लास होनी नहीं है, फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे और इन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। संडे को आपके जो टेस्ट होंगे उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगी वो सब गाइड कर दिया जाएगा थ्रू माय टीम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिक्वायरमेंट थी कि हमें दूसरा फ्रूट यहाँ पे बनाना है, बना दिए। नाम आप कुछ भी रख लीजिएगा, मैं कुछ नहीं रखने वाला हूँ। यहाँ पे दूसरा आ गया, यहाँ पे एक और रख लें, ठीक है। देखिए इस तरीके से आ गया, थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना? आप क्या चाह रहे होंगे कि यहाँ पे भी हमें स्पेसिंग चाहिए। अब आपको समझ में आएगा असली मार्जिन, अब आपके समझ में आ जाएगा कि आपको मार्जिन की ज़रूरत है, तभी यहाँ पे बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग आएगी। तो ये जो हमने ड्यू लिया था ना फ्रूट लिस्ट वाले, इस पे आके क्या यूज करेंगे? मार्जिन बट लेफ्ट राइट, कहीं से भी लगाइए, मैं मार्जिन लेफ्ट यूज करने वाला हूँ। एक ही साइड से चाहिए, दोनों साइड से नहीं लगाएंगे, मार्जिन लेफ्ट 10px। ओके, तो आपकी बॉडी के बीच में 10px की स्पेसिंग आ गई, ठीक है। 10px की स्पेसिंग आ गई आपके बॉडीज के बीच में। और ऐसा आप अचीव भी इसलिए कर पाए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे आपको पहले ही एक चीज बताई थी, आपको डिस्प्ले इन लाइन मैंने करा दिया था। डिस्प्ले इन लाइन कराने से आपकी ये बॉडीज एक दूसरे के बगल में आ रही हैं। जैसे ही हम अगर डिस्प्ले यहाँ से हटा दें, यहाँ से हटा दें डिस्प्ले, तो आप देखिए आपकी जो जितनी भी बॉडी सारा सी से सेम है, सेम है, सब कुछ सेम है, बट ये यहाँ से हो रहा है। बट कभी कभी आपको अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है ना कि आपके ये जो लिस्ट है वो एक दूसरे के नीचे आए, नीचे आए, तो आप नोटिस कर रहे हैं कि इनके बीच स्पेसिंग नहीं है। स्पेसिंग इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अभी लेफ्ट दिया था, तो यहीं पे केवल स्पेसिंग है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी? टॉप से स्पेसिंग की होगी। तो हमें ना ये जो हम लोगों ने ये चीज़ बनाया था लेफ्ट, इसको क्या कर देंगे? टॉप कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे ये टॉप से स्पेसिंग आ जाएगी, तो मार्जिन हमने टॉप ले लिया और इस तरह से हमारे बॉर्डर्स हो गए। आप फॉन्ट वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये हम पहले की तरह कर देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्लियर है? अभी ये हमारे लिए सही है। अब इतना कुछ करके ना आप कभी भी एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हैं, कभी भी नहीं बना सकते हैं। आपको, आप लोग बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन हो सकता है बना पा रहे हो, बट मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर आपने ना CSS का बेसिक नहीं समझा, HTML और प्लस CSS को नहीं समझा, तो आपके लिए ये सब सीखना बेकार है। क्योंकि जितनी चीज़ें मैंने बताई इनसे ज़्यादातर आप चीज़ें बना ले जाएंगे, बना ले जाएंगे। एक दो चीज़ें और हैं, अगर आपको ये फॉन्ट को बोल्ड करना है तो आप यहाँ पे फॉन्ट बोल्ड यूज कर लें, फॉन्ट बोल्ड यूज कर लें। फॉन्ट बोल्ड कैसे यूज करेंगे? फॉन्ट वेटेज प्रॉपर्टी होती है, फॉन्ट वेटेज। फॉन्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, फैमिली भी लगा सकते हैं, स्टाइल, डिस्प्ले, वेरियंट, प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन आपको जो ज़्यादातर यूज करना है फॉन्ट वेटेज यूज करना है। फॉन्ट वेटेज में आपको बोल्ड मिलता है, बोल्डर मिलता है, लाइटर मिलता है, नॉर्मल मिलता है, इन सबको आप ट्राई कीजिएगा। ज़्यादातर आपको बोल्ड करना होता है तो आप यहाँ से फॉन्ट बोल्ड यूज कर लें।
आपका ये जो डेटा था ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है, फॉन्ट वेटेज हो गया, फॉन्ट कर ले जाइएगा आप लोग, प्रैक्टिस कुछ भी आप लोग भी करिए, सब कुछ हम ही करेंगे। फॉन्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने दिखाई, उन सब की प्रैक्टिस कर लें। ज़्यादा यूज नहीं होगा, जितना बता रहा हूँ ना इतना ही अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो भी आपका सारा काम हो जाएगा। कहीं स्पेशल रिक्वायरमेंट आएगी तो आप गूगल करेंगे तो तुरंत विद इन सेकेंड आपके सामने उसके CSS हो गए, आप उठा के कॉपी पेस्ट कर देना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। और हम लोग सीख लेंगे गूगल से भी ढूंढना। तो फिलहाल हमने ये कर लिया। मैं ये बोल रहा था कि इतना कुछ होने के बाद अब आपको क्या करना है, कि मैंने ये सब आइडिया इसलिए दिया कि जो लोग प्रोजेक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं वो कुछ और एक्स्ट्रा काम कर सकें। बट मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको HTML प्लस CSS की बेसिक फंडामेंटल पे काम करना सिखाने वाला हूँ। वो काम अगले दो लेक्चर्स तक होंगे, थर्सडे और फ्राइडे, दो दिन मैं आपको HTML प्लस CSS को कैसे मैनेज करना है ना बॉडीज को, वो सिखाने वाला हूँ। क्योंकि ये मैनेजमेंट जब तक आप नहीं सीखेंगे, ये कलरिंग ये डिजाइनिंग करना सब बेकार है, आप अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ, कल उस पर और अच्छे से हम लोग बात करेंगे, कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, और परसों भी उस पर कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे, मैं आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा। देन अगले दिन आपका टेस्ट होना है, इसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक्स को कवर करेंगे, यानी कि आने वाले मंडे से हम लोग एनिमेशन वगैरह को देखने लगेंगे। क्योंकि जो मैं अब आगे टॉपिक कवर करने वाला हूँ उसमें आपकी CSS की बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी, जो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं देखते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। उन चीज़ों को हम लोग आने वाले दो दिनों में कवर करेंगे। बट इन सब का केवल एक ही मकसद है कि हम HTML और CSS को कैसे स्मार्टली यूज करेंगे, इन चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज का तो ठीक है, आज मैं बेसिक आइडिया दूंगा, थोड़ा बहुत कोड होगा बना दूंगा 10-15 मिनट जो भी है, बट कल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सब लोग टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा। कल के लेक्चर्स को ज़रूर देखिए, जिनका छूट जाए वो वीडियोज में देख लेंगे, बट कोशिश करें कि हमारे साथ बने रहें, और कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो हमको कमेंट करें, मैसेज करें, बात करें, वहाँ पर मैं आपको रिजॉल्व करा दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अब आगे क्या करने वाले हैं। अच्छा, ये जो कोड है ना, अब आपको ये प्रॉब्लम फेस होने लगी होगी कि बहुत सारा कोड मेरा इसी पेज पे हो रहा है, तो कल मैं बता दूंगा कि इस पेज से इस कोड को कैसे हटाएंगे। वो हो जाएगा एक्सटर्नल CSS, जो हम लोगों ने दो टॉपिक पे बात किया था, एक इनलाइन CSS, ऑन पेज CSS और एक्सटर्नल CSS। जिनको पता है वो ये सारा कोड एक्सटर्नल CSS पे डाल के कनेक्ट कर लेंगे, काम होगा, नहीं तो मैं कल आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आगे। आगे जब हम कोई डिव लेते हैं ना, ये आपको पता है कि ये ब्लॉक टाइप का एलिमेंट है, और मैं इस डिव में एक क्लास लगा रहा हूँ, इसका कुछ कॉमन नेम देने वाला हूँ, क्लास कॉमन, ठीक है। ये कॉमन है, जहाँ भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम इसको यूज कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखूँगा, बस कुछ लिख दे रहा हूँ। कॉमन है तो इसकी विड्थ हमेशा क्या होगी, 100% होनी चाहिए, और आप चाहें तो हाइट और मीन हाइट दो प्रॉपर्टीज होती हैं। इस चीज़ को आज मैं समझा देता हूँ आपको। जब आप हाइट देते हैं कोई चीज़ की, हाइट दे दिया हमने 100 px, और मैं आपको इसका बैकग्राउंड कलर दूंगा तभी तो आप समझेंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर दे दिया और आपको ये स्क्रीन 100 px की दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, ठीक है। ये जो कुछ भी आपका पैडिंग वगैरह लगा है उसको हटा दें, मैं इसमें मार्जिन दे देता हूँ बॉटम से, तो स्पेसिंग आ जाएगी। मार्जिन बॉटम,
थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सब चीजें गलत हैं अभी जो दिख रहा है ना। क्या हुआ, कुछ हो ही नहीं रहा है, आप देखो कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा है, यही तो समझाना था। इसीलिए अभी कुछ मैं नया बताने वाला हूँ, इसी चीजों के लिए 2 दिन का लेक्चर होने वाला है जो इस टाइप की एरर आ रही है। आप में से बहुत से लोग हमको ना फटाफट ये बनाने के बाद मैसेज करने लगते कि सर अब कितना भी मार्जिन दे दे नीचे से तो ये हट ही नहीं रहा है, देखो नहीं हटेगा। मैं मार्जिन बॉटम चाहे 200 PX कर दूं, 2000 PX कर दूं, हटेगा ही नहीं, हटेगा ही नहीं। क्यों, फेल हो गया क्या हम लोगों का कोड जितना आज तक पढ़े थे? नहीं, कोड नहीं फेल हुआ है, हम लोगों ने बच्चों वाली कोडिंग की है ना, इसलिए हुआ है ये। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी जब आप बिना कुछ सोचे समझे कोड बनाएंगे, इन्हीं सब को तो हमें पढ़ना है। फिलहाल इस चीज को हम एक प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। मैं मार्जिन हटा दे रहा हूँ और इस पूरे कोड को एक डिव के अंदर रख दे रहा हूँ, समझाऊंगा कि अब सही क्यों हो गया। इसी पे हमारा आगे का लेक्चर्स होने वाला है, तो डोंट वरी, आपने जितना पढ़ा है वो सब सही है। ये जो प्रॉब्लम आई है इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे जल्दी ही। ठीक है, अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसे सही कर दे रहा हूँ। फिलहाल आप लोगों को आगे समझाऊंगा। इसी चीज के लिए हम लोग अब आगे के 2 लेक्चर्स यूज करने वाले हैं। देखो मेरे से भी ये हो नहीं रहा है भाई, बट डोंट वेरी, ऐसा मैं हार नहीं मान रहा हूँ कि ये नहीं हो रहा है, हो जाएगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अभी सही कर दे रहा हूँ। फिर आप इसको कंपेयर करिएगा, क्योंकि जो अभी तक मैंने मेथड बताया ना उस चीज को बनाने का, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। अभी इसी चीज को हम आने वाले लेक्चर्स में दूसरे तरीके से बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मैं अभी यहाँ पे एक हाइट दे दे रहा हूँ जिसका होगा हाइट 300 PX, 300 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 90 PX थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, कम कर लेते हैं 60। ठीक है, 60 भी ज़्यादा हो रहा है, 50 कर देते हैं, चलो अभी ठीक है। ये सब क्यों हो रहा है, इसी पे हमारा आने वाले 2 दिन के लेक्चर्स हैं, तो प्लीज मिस मत करिएगा, क्योंकि ये मिस कर दिया तो इस टाइप के ना हजारों प्रॉब्लम आपके प्रोजेक्ट में आ जाएंगे जिनको आप रिजॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना पैडिंग मार्जिन लगाते रहिए। हम लोगों ने आखिर गलती क्या की होगी, कुछ भी तो नहीं किया, सब कुछ तो सही था। बट डोंट वरी, ये बड़ी चीज है, ये मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं और उसी को हमें नहीं करना है। हमने एक यहाँ पे कॉमन क्लास बनाई जिसका मेन हाइट दे दिया है इतना। हाइट और मेन हाइट में आपको डिफरेंस समझाना था। जब हमने मेन हाइट दिया और इसके अंदर मैं कोई कंटेंट लिखता हूँ, तो लॉरेम कितना ले लें, 600 कम ही रहेगा आई थिंक, 6000 काफी ज्यादा हो जाएगा, 800 ठीक है, इंटर विजिट करते हैं अपने वेब पेज पे, बहुत ज्यादा कोड आ गए, थोड़ा सा कम ही कर देते हैं ना, 400 और कम करते हैं, 200, 200 देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो हमने 200 वर्ड्स इसमें लिखे, तो हमारी एक्चुअल बॉडी तो यहीं तक थी, बट मेरा कंटेंट ज्यादा हो गया, इस केस में भी मेरी बॉडी नहीं बढ़ी।
तो आप लोग जब स्टार्टिंग में कोड बनाते हैं तो इस टाइप की गलती कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारी स्क्रीन छोटी होती है ना, तो हॉरिजेंटल में अपने पेज का डेटा अपने आप बढ़ता चला जाता है। आप नोटिस करो कि जितना मेरा स्क्रीन छोटा हुआ, ये डेटा और नीचे आ गया, लेकिन मेरी बॉडी अभी भी यहीं पे है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे केसेस में आप कभी भी हाइट नहीं देंगे, हाइट की जगह आप मीन हाइट देंगे। डिफरेंस इतना होता है, हाइट फिक्स होती है, ये कभी भी बढ़ेगी नहीं, लेकिन अगर आप मीन हाइट यूज करेंगे तो मिनिमम 100 px रहेगा, मिनिमम। कहाँ गया मेरा डेटा, ये है। और मैं अगर इसको यहाँ से हटा दूँ ना, तो आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा, जैसा था वैसा है, मिनिमम 100 px अभी भी है। लेकिन जैसे इसके अंदर डेटा आया, देखो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली बड़ी हो गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे जैसे हमारे पेज का साइज छोटा हो रहा है, कंटेंट बढ़ता जा रहा है, और अपने आप इसकी हाइट भी बढ़ती चली जा रही है। तो मीन हाइट का मतलब होता है मिनिमम इतना होगा, लेकिन अगर आपका डेटा बढ़ रहा है तो ये आपकी बॉडी भी बड़ी हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका कंटेंट इस बॉडी के बाहर नहीं जाएगा, बल्कि बॉडी भी बड़ी होगी, जिसके वजह से ये वाले कंटेंट नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। अदरवाइज जब हमने हाइट दिया था तो ये बॉडी नहीं बड़ी हो रही थी, तो मेरा कंटेंट यहीं रह जाता था और ये वाला कंटेंट इसके ऊपर आने लगता था, है ना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो हम लोग आप आगे ना सीएसएस में आने वाली प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते चलेंगे, और इनका क्या प्रॉपर सोल्यूशन है, क्या प्रॉपर मेथड है प्रोजेक्ट बनाने का, वो सब कुछ समझेंगे। तो आप लोग आगे के लेक्चर्स जरूर ज्वाइन करें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू वेरी मच।